तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए अब्रॉड में लड़का पसंद किया है। देसी लड़की से शादी? हरगिज नहीं। Exactly what I wanted। जिंदगी बेजार कर दे, जहां नजर आए SRK बनकर पहुंच जाए। SRK बहुत पछताना पड़ेगा। वेरी फिल्मी यकुम रमजान उल मुबारक से पीर से इतवार शब 9 बजे। अरे साहब, आपने खाम खा तकलीफ की, हमें हुक्म करते हम ही चले आते। मुस्तफा को मार दिया था या कहीं और बिक गए थे? हम बिकते जरूर हैं साहब, पर एक बार, एक सौदे में बार बार नहीं। हमने तो मुस्तफा की लाश पर भी गोली चलाई। आपकी दीवी रकम मैंने हलाल करके खाई। खैर, बैठिए कुरैशी साहब, इसके अलावा कोई और हो हमारे लिए तो बंदा हाजिर है। नहीं, लेकिन मुझे शक है, जिस काम को तुम मुकम्मल करने का दावा कर रहे हो वो नामुकम्मल है। कोई ऐसी सूरत हो जिससे मुझे इत्मीनान आ जाए, इंतजार रहेगा मुझे। ठीक है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं अमीन को हमारे रابطے का शक हो गया? मुझे अंदाजा नहीं था कि अरसल बता देगा, जल्दी करती उसने। तुम्हारी इस प्रिडिक्शन ने मुझे बर्बाद कर देना है। भरोसा रखे मुझ पे, ये भी हमारे हक में जाए। खाक हक में जाए? अगर अमीन ने तस्वीरें मेरे सामने लाकर रख दी तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो शुक्र करो कि उन्होंने दिखाई नहीं, जरूर किसी सबूत की तलाश में होंगे। कैसे दिखाएंगे? तस्वीरें अरसल की तरफ गई जरूर थी, पहुंची नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। मुझ पर भरोसा रखें, जो मैं कह रहा हूं बस वो करें। मुझे कोई बात नहीं सुननी तुम्हारी, तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है मुझे। तो क्या करेंगी आप, क्या ऑप्शन है? ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। क्या करना है?
है नसीर। कहां से आ रही हो तुम? मार्केट गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में इस घर में कौन कौन आता? बड़ा तकलीफ दे सवाल किया है आपने। अगर तकलीफ से गुजरने की नौबत आई गई है तो बताओ कौन कौन आता है यहाँ? कोई नहीं है, बल्कि जिसको आना चाहिए वो तो हफ्तों हफ्तों तक नहीं आता। खैर, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते? मैं कह चुका हूं और मैं बता चुकी, मेरे पास सबूत है। मेरी मोहब्बत को किसी धोखे या शक की नजर मत कीजिएगा अमीन साहब, पहले अच्छी तरह अपने सबूत पर यकीन कर लें आप। तुम खुद बताओ, क्योंकि मैं यकीन के बहुत पास खड़ा हूं। कोई गलतफहमी है तो दूर हो जाए, यही अच्छा है। मुझे कोई खौफ नहीं, आप अच्छी तरह यकीन कर लें, मैं सच्ची हूं। मुनीत को जानती हो तुम? हाँ, वो मुरीद आपका वफादार नमक हलाल नौकर, वो क्या है ना कि आपकी बेगम आसिया अमीन कुरैशी, उन्होंने खोज लगाने के लिए भेजा था उसे। वो जानना चाहती है कि आपके और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। बस खोज लगाते लगाते यहां तक पहुंच गया वो। लेकिन अपने मालकन से बेवफाई की और मालिक से वफा की। मुझे आपकी जिंदगी में मुश्किलात ना खड़ी करने की दरख्वास्त की थी। बाय द वे, ये तब की बात है जब आप अपनी बेगम से मिलवाने के लिए मुझे रेस्टोरेंट ले गए और उसने मुझसे वादा लिया कि ये बात मैं कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। अगर आपने मुझे ये वादा तोड़ने पर मजबूर कर दिया अमीन साहब, शायद वो अपने मालिक को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। वैसे तफसील से बता सकती हूँ ये बात आपको, अगर आपको जाने की जल्दी ना। आप जानते हैं मुझे आपकी सबसे ज्यादा क्या बात पसंद है? क्या सर? अकलमंदी। कहाँ के अकलमंद सर, बस हालात के मारे हुए लोग हैं, थे तो हीरे ही, कभी कोई जौहरी नहीं मिला। आप आ गए हैं तो हमारी कदर हुई है। तो बस फिर डट जाइए, क्योंकि बात अब हजारों से लाखों करोड़ों में बदलने वाली है। नया प्रोजेक्ट आपकी जिंदगी का नया मोड़ होगा, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि मन चाह मोड़। क्यों नहीं सर, तो फिर जाइए, रास्ता आपका मुंतजिर है, मंजिल आपका इंतजार कर रही है सामने। थैंक यू। सर जाहिर है रिस्क है, कोई भी साइड पे जाने को तैयार नहीं है। हाँ, चलिए मैं इस मसले को देख लेता हूं, आप एक काम करें, असल को मेरे रूम में भेजें।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नए प्रोजेक्ट में कुछ मसले आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद देखो। यहां तक एम्प्लॉयज की बात है तो वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, खतरा वगैरह है तो मैं एसपी साहब से बात कर लेता हूँ, फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। जी मामू। मामू, वो मैंने मुरीद से रिलेटेड आपसे बात की थी। दरअसल बेहतर है कि तुम इन कामों में ना पढ़ो और सिर्फ फोकस अपने काम पे करो। जी। आइए आइए अब बैठिए। सब खैरियत है ना अमीन? जी सब खैरियत। कारोबार कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात। अरसल ने अपना सारा पैसा तुम्हारे साथ इन्वेस्ट किया ना? हाँ अपा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की कुछ खास जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी इन्वेस्ट हुए हैं मेरे पैसे। ये सारी कंपनी, ये सब कुछ उसी का तो है। तुम उसे किसी नए प्रोजेक्ट के लिए भेज रहे हो? हाँ, एक्चुअली वो प्रोजेक्ट शहर से बाहर नहीं है, यहाँ हाईवे पर है। आपका बेटा आपकी नजरों के सामने शाम में घर पे मौजूद होगा, और ज्यादा से ज्यादा एक आध हफ्ते की बात है, फिर शायद जाना भी ना पड़े। बताया उसने मुझे उस जमीन पर किसी का कब्जा है, खतरा है, इसीलिए सबने जाने से मना कर दिया, और तुम अरसल को भेज रहे हो? ऐसा कोई खतरा नहीं है, कब्जा भी छुड़ा दिया मैंने, मेरी अपनी सिक्योरिटी है वहां पर। हाँ, मुलाजमों के तनख्वाहदार लोगों के अपने मसाइल हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, अरसल को ये देखना चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? अरसल मेरा एक ही बेटा है, कारोबार अपनी जगह, लेकिन मैं अपने बेटे की जिंदगी पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी भी बात है, अरसल वहां नहीं जाएगा। आप समझ नहीं रहे मीर, पर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे मत समझाओ अरसल, मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना, मैंने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मैंने आपको इसलिए तो नहीं बताया था। अब तुम मुझसे बातें छुपाओगे? नहीं, पर इसका नुकसान होगा हमें। अम्मी, ये बिजनेस जितना मामू का उतना मेरा भी तो है। ये भी तुमने गलत किया। तुम बहुत छोटे थे अरसल जब तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया। मैंने अकेले तुम्हें पाला, पढ़ाया, लिखाया, ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए। उस अरसे में मैंने जिंदगी की वो तलखियां देखी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम्हें अपना सारा पैसा अमीन के साथ नहीं लगाना चाहिए था। तुम शराकतदारी करते मगर अपना सब कुछ ना लगाते। तुमने फैसला करने के बाद मुझे बताया, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें ऐसा ना करने देती। और अब मुझे सब पता है, उसके बावजूद मैं तुम्हें ऐसी जगह पे कैसे जाने दूं जहां तुम्हारी जान को खतरा है? अम्मी, कोई खतरा नहीं है, मामू खुद भी तो जा रहे हैं ना वहां पे, और अब वो मुरीद जा रहे हैं उनके साथ। क्या हैसियत रहेगी होगी मामू की नजरों में मेरी? अम्मी, आई एम सॉरी अम्मी, पर आपने ठीक नहीं किया। मुरीद, खाना लगा दिया, आ जाओ। क्या याद दिला दिया बेगम साहिबा? ऐसे ही यहां बैठ के खेल रहा होता था तो मेरी अम्मा आके मुझे कहती थी कि बस कर दे मुरीद,
चल बस कर, बहुत खेल लिया, आके खाना खा ले। आज सब कुछ वैसा ही, वही जगह है, सब कुछ है, मैं हूं, खाना है, वही खेल रहा हूं। कुछ नहीं है तो बस मेरी मां नहीं है। इतने बेचैन क्यों रहा है सर? यही कि इन हालात में भी मुरीद इतना कॉन्फिडेंट कैसे है, वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? इवन मुझे लगता है वो कुछ करने वाला है, और अम्मी ने अभी ना गलत टाइम पे मामू को नाराज कर दिया। आई डोंट नो व्हाई एमल, बट एवरी टाइम, हमेशा पता नहीं क्यों हालात उसके फेवर में जाने लगते। शायद इसीलिए क्योंकि वो हमसे ज्यादा जहीन है, और शायद हमसे ज्यादा बहादुर भी। हम सोचते ज्यादा हैं, वो कर नहीं पाते, और उतने वक्त में वो सब कुछ कर जाता है। मुरीद को हराना आसान नहीं है, हमें वो सब कुछ सोचना होगा जो हम सोचना नहीं चाहते, वो सब करना होगा जो हम करने से डरते हैं। क्या कर सकते हैं? मैं बाबा को बताऊंगी जो मुरीद ने मेरे साथ किया। पागल हो गई हो? हाँ, हमारा मुकाबला भी पागल से ही है। तुम्हारा गवाह भी नहीं रहा तो गवाही मुझे ही देनी होगी ना। यमन, ऐसा करने में हमारी बेइज्जती है, इज्जत नहीं। पर जो कुछ वो कर रहा है ना, उससे कुछ नहीं बचेगा, ना हमारी इज्जत और ना हम। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही हैं? कुछ नहीं छुपा रही। ये क्या है? दिखाइए सर, दिखाइए ना। सॉरी, नहीं नहीं करना आता तो क्यों करूंगी? मैं नहीं करूंगी तो और कौन करे? मैं कर लूंगा। तुम नहीं होगे तो फिर कौन करे? I'm sorry मैम, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आप पर नहीं असर हूं। मैं तो इसमें मैं नहीं हूं, क्या सिखा दूं? सिखा दो। अच्छा तो फिर आइए, शर्ट इस्त्री करने के कुछ उसूल। पहले कॉलर को बिल्कुल सीधा करके रखें, फिर ये पानी हंसने जायका, जितनी जरूरत हो। ये कॉलर हो गया। अब कॉलर को बड़े प्यार से शर्ट की साइज को ये करके सीधा ये स्त्री को रोकते नहीं है, क्योंकि अगर स्त्री को रोको ना शर्ट जल जाती है। ये आराम से मैं करूं? थोड़ा सीख ली मेरा खाना। चले हाँ करें, चला जी रहे। बोट नहीं, ये देखिए ना, ग्रीस खराब हो जाएगी। क्या भाई करें?
मैं जानता हूं कुरेशी कि इस गलती की माफी नहीं है। हम अपना जुर्म कबूल करते हैं और अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया है हमने। तुम जानते हो कि इस दौरान मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। जो बच सकता है ना उसे बचा लेते हैं। मजीद क्या करना है हुक्म करें आप। भला इस बार मैं तुम पर दोबारा भरोसा क्यों करूं? क्योंकि अमीन कुरैशी साहब हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि मुस्तफा कहाँ है। इस बार उसकी लाश मैं खुद अपने सामने देखना चाहता हूं। लाश मेरे हवाले कर देना, मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। और इस काम के लिए तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं, 2 दिन। सिर्फ 2 दिन। जो एसपी साहब, कल मुझे फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। दफ्तरी कपड़ों में आ गया। बस मुस्तफा भाई, ये रिमझिम बहुत हो गई। अब बरसो, खुल के बरसो। किस पे? अमीन कुरैशी। अमीन कुरैशी पे खुल के बरसे, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं तुझे। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि खुल के बरसते अमीन कुरैशी पे। तुझे पता है इंतकाम अगर ज्यादा लंबा हो जाए ना तो मफामत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और मफामत इंतकाम की मौत है। मेरे दफ्तर के मामलात में अपना पत्ता खेल दिया है मुस्तफा भाई। अमीन कुरैशी का तख्त उलटने वाला है। मेरी बड़ी ख्वाहिश, बड़ा ख्वाब था कि अमीन कुरैशी अपनी बर्बादी अपनी आंखों से देखे, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त और किस्मत को यह कबूल नहीं है। अरसल ने मेरे खिलाफ उसके जहन में जो शक का बीज बो दिया है, फिर वो रिस्की है। बस बरसो, इजाजत है आपके रास्ते में मुरीद कभी नहीं आएगा। मतलब हटा दूं? मीन कुरैशी को रास्ते से हटा दूं, तू हमारे बीच में नहीं आएगा। यही कहा मैंने। तू समझ अमीन कुरैशी क्या? क्या अमीन कुरैशी? मुरीद, मेरी जिंदगी में किसी ने कभी इतना बड़ा एहसान नहीं किया मुझ पे। बस अब बीच में मत आना। जश्न होगा आज, इतना बड़ा जश्न होगा, जाम ऐसे टकराएंगे कि नशार वो तक जाएगा। मुरीद बता क्या पिएगा? क्या पिएगा? आराम नहीं पीता मुरीद। आराम नहीं पिएगा? फिर क्या पिएगा तुम? बोल क्या लाऊं तेरे? ये जो नशा होता है ना मुस्तफा भाई, इंसान को हैवान बना देता। पर मैंने सारी जिंदगी इंसान के लिबास में एक हैवान से दुश्मनी की है। अपने हाथों से एक कप चाय पिला दो, मुरीद समझ लेगा कि वो नशे में है। ठीक है, तेरे लिए चाय से।
छोड़ दे मुरीद, इनके सोने का वक्त है। और आज मुस्तफा भी जाम चाय का ही टकराएगा। आजा। एक बात पूछूं मुस्तफा भाई, हाँ, जब मोहब्बत शुरू होती है तो उसके क्या आसार होते हैं? विवादी और मोहब्बत के आसार तकरीबन एक जैसे होते हैं। मजे की बात तो यह है कि धोखा बहुत खूबसूरत चीज होती है मुरीद। जैसे मलाइका ने मुझे दिया, अमीन कुरैशी ने तेरे बाप को दिया, जैसे तेरी बेचारी मां के साथ हुआ। धोखा मोहब्बत की चादर के नीचे बनता है। तू क्यों पूछ रहा है ये बातें? क्या हो गया तुझे? मैंने सिर्फ मोहब्बत का आगाज पूछा था आपसे मुस्तफा भाई, आप तो अंजाम गिनवाने लगे। धोखा, फरेब, लालच, डर, खौफ, ये सब तो कमजोरियां हैं। मलाइका ने आपको लालच की वजह से छोड़ा, मेरी माँ खौफ की वजह से चली गई। तू मोहब्बत का तरफदार कब से बन गया है? अभी गीत शुरू नहीं हुआ, सिर्फ धुन सुनाई दे रही है। मैं चलता हूं। ये धुन जिंदान से आ रही है, इस पे कान ना धर। गीत नहीं है ये, कैदी का नुआ है। मलाइका, मैंने घर के बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी है। आज के बाद जब भी तुम घर से बाहर जाओगी तो सख्त सिक्योरिटी में जाओगी। आखिर इसे कौन सा दुश्मन है हमारा? वही जिसे मैंने बरसों पहले मार दिया था। सलाम 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 मुरीद भाई, सलाम। मुरीद साहब कैसे हो? साहब बिल्कुल ठीक साहब। काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठंडा चल रहा है काम साहब। यकीन करें आजकल लोगों की जेब से पैसा निकालना ऐसा है जैसे शेर के मुंह से बोटी साहब, लेकिन मुरीद भाई की जेब से पैसा ऐसा निकलता है जैसे मक्खन से बाल निकलता है साहब। साहब अरे सुनो, इधर आओ साहब। गजरे तो दो साहब। पहले तो सिर्फ पैसे देते थे, कभी गजरे नहीं मांगे, आज गजरे मांग रही हो साहब। दो। ये ले साहब। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई या शादी? अल्लाह मुरीद भाई की जड़ी सलामत रखे साहब। कैसी आप? ठीक हो? ये वो फूल है कचरे। मेरा एक दोस्त है सिग्नल पे खड़ा होता, बेचारे के पास रहने की कोई जगह नहीं है इसलिए फुटपाथ पे ही सो जाता। याद है आपको बचपन में साहब ने एक दफा मुझे घर से निकाल दिया था? तुम्हें वही
फुटपाथ पे उनके पास सोया था, तब से इन सब लोगों को जानता हूँ, दोस्ती है मेरी। सॉरी मैं अभी किन बातों में पड़ गया। आप बताना, आपको ये था कि सालों से उस सिग्नल से गुजरता हूँ तो वो आवाज देके कहता है कि मुरीद साहब फूल दे दीजिए। हर बार मैं उसे पैसे जरूर देता हूँ लेकिन कभी बदले में फूल नहीं लिए। आज भी हसबे मामूल उसको पैसे दिए तो बुझाने लगा। मैंने आवाज दी, मैं कहा सुनो फूल तो दो। तो जानती है उसने बदले में मुझसे क्या पूछा? कहने लगा मुरीद साहब शादी हो गई है क्या आपकी? आपके लिए पेन मेरे मतलब रख लीजिए। शादी तो बहुत पहले ही हो गई थी, फिर आज ही क्यों? नहीं, तब समझौता हुआ था। क्या किताब में रखा मोर का पंख पढ़ा हो क्या? इस बात का तो मुझे पता नहीं है कि पंख बड़ा हो गया है या हम छोटे हो गए हैं। हाँ पर एक बात जानता हूं मैं, जो बात मैं आपसे कहना चाहता था आप सुनना चाहती ना मैं कह सका ना आप सुन सकी, वो बात ये फूल ला के कह चुका हूं मैं। आप फिर पहन मर्जी आपकी। मोहब्बत नशा है, मोहब्बत वफा है सभी की। ला 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 ला। मोहब्बत नशा है, मोहब्बत जज़ा है वफा दी वफा दी। La 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 la. Teri meri aankhein jab se judi hai, hone laga hoon main to kuch behaal. La 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 la. तेरी मेरी आंखें जब से जुड़ी हैं होने लगा हूँ मैं तो कुछ बेहाल। ला 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 ला